بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। इंशाल्लाह आयत नंबर सूरह अनआम की 122 एंड 123 देखते हैं इंशाल्लाह। इन आयतों में हम देखेंगे कि किस तरीक़े से अल्लाह सुबहाना ताला ने ये बताया है कि एक दाई दीन को या एक बंदे मोमिन को चलता फिरता कुरान बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कुरान को बिल्कुल रस्मी तौर पर इस्तेमाल करे, बल्कि जब कुरान उसकी ज़िंदगी में आता है तो उसके हर हर अमल में जो है वो कुरान नज़र आना चाहिए, उसके अमाल नज़र आने चाहिए। तो इंशाल्लाह कुरान सिर्फ मस्जिद या मदरसे के लिए नहीं बना है कि उसमें रखा जाए, तो क्या करना चाहिए उसके साथ मामला इन आयतों में इंशाल्लाह हम देखेंगे इंशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, क्या भला वो शख्स जिसका दिल मुर्दा हो और ज़िंदगी दी हमने उसे और बनाया हमने उसके लिए एक नूर, वो चलता है उस नूर की रोशनी में इंसानों के दरमियान, इंसानों के बीच, तो ऐसा शख्स क्या उसकी मिसाल उस जैसी हो सकती है? क्या वो शख्स उसकी तरह हो सकता है जो अंधेरों में पड़ा हो और नहीं निकल पा रहा हो उसमें से? यानी यहाँ पर हिदायत और गुमराही की मिसाल दी जा रही है। इसी तरह सजा दिया गया है नाफरमानों के लिए उनके आमाल जो भी वो कर रहे हैं। आयत नंबर 123। वकज़ालिक जअलना फी कुल्ली क़रियतिन अकाबिर मुजरिमीहा लियमकुरू फीहा وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ। और इसी तरह बनाया हमने हर आबादी में, हर बस्ती में बड़े लोग जो जुर्म करते हैं उसमें, और वो मकर फरे साजिशें करते हैं वहाँ पर, लेकिन नहीं साजिशें पड़ती हैं उनकी मगर उनके ही ख़िलाफ़। यानी बोलते ना कि जिसने गड़ा खोदा वो उसी में गिर गया। वमा यशऊरून, और नहीं वो समझते हैं इसे कि अगर हम किसी के लिए रुकावट पैदा करेंगे तो रुकावट कभी कभी हम पर ही आ जाती है। तो ये बातें अल्लाह सुबहाना ताला कह रहे हैं कि मकरो फरेब करने वाले इसको समझते नहीं हैं। ओके ठीक है इंशाल्लाह। सूरह अनआम की जो है वो आयत नंबर 122 से देखते हैं इंशाल्लाह। और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अल्लाह सुबहान ताला ने मोमिन और काफिर का खुलासा किया है। बहुत खूबसूरत आयत है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अवमन काना मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिह फिन्नास,
देखिए इतनी बड़ी दलील यहाँ पे दी जा रही है एक चीज के बारे में कि अल्लाह सुभान तआला कंपेयर कर रहे हैं कि एक बात बताओ, क्या भला वो शख्स जिसका दिल मुर्दा हो और जिंदगी दी हमने उसे, हमने उसको जिंदा किया, उसके दिल को, उसके मुर्दा दिल को जिंदा किया और बनाया हमने उसके लिए एक नूर। सुभान अल्लाह। देखिए यहाँ पर अब अल्लाह तआला कंपेयर कर रहे हैं किसको कि एक एक मुर्दा दिल है, ये मुर्दा दिल किसका है? काफिर का दिल। अच्छा यहाँ पर बिल्कुल आप उस काफिर को ना सोचिए कि जो मंदिरों में घंटे बजाते हैं या फिर समझिए कि बुत परस्ती करते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखते चलिए किस काफिर की बात चल रही है, अल्लाह सुभान तआला किसका जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह तआला बोल रहे हैं फिर हमने उसको जिंदा कर दिया। ये किसकी, ये कौन सा शख्स है? मोमिन शख्स कि जिसका दिल मुर्दा नहीं होता है बल्कि जिंदा होता है। अल्लाह तआला बोल रहे हैं और बनाया हमने उसके लिए एक नूर। कौन सा नूर है? ये किताब का नूर। सुभान अल्लाह। आज जो किताब अल्लाह सुभान तआला ने आपके हाथ में दी है, आप जिसको पढ़ रही हैं, जिसको समझ रही हैं, उस किताब को अल्लाह सुभान तआला ने कहा है कि ये नूर है। यस, यकीन करिए कि इंसान की जिंदगी में जब इस किताब का नूर आता है, देखिए सिंगुलर, यानी जिंदगी में आप अगर नूर चाहते हो तो सूरह नूर के वजीफे से आपके जिंदगी में नूर नहीं आएगा, बल्कि ये पूरा कुरान जब आप अपनी जिंदगी में लाओगे तो ये डेफिनेटली आपकी जिंदगी नूर से भर जाएगी, अल्लाह के बरकतों से भर जाएगी, अल्लाह की रहमतों से भर जाएगी। और देखिए इसके बिल्कुल बरअक्स क्या होता है कि जब इंसान की जिंदगी से इस किताब का नूर निकलता है ना, बहुत अच्छे खासे लोगों को हमने एक्सपीरियंस किया है, बहुत अच्छे खासे लोगों का, कि जब ये इस रास्ते को छोड़ देते हैं, इस किताब को छोड़ देते हैं, दुनियादारी में फिर पलट जाते हैं, फिर उसी जो है बिल्कुल उसी रूटीन में चले जाते हैं, तो यकीन करिए कि इतना बड़ा सदमा उनको लगता है और जो डिप्रेशन की सूरत में उनके सामने आती है। बहुत करीब से ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है या जानते हैं, पता है आपको, आप खुद महसूस करेंगे कि बिफोर दिस सफर, आपको जो सफर आपने जो है वो शुरू किया है, देखिए इट्स नॉट मैटर कि मतलब पूरा कुरान या आधा कुरान या फिर शुरू से हमने नहीं सुना तो भाई ये नूर हमारी जिंदगी में आएगा, नहीं। देखिए कभी कभी इंसान को एक सूरत काफी होती है उसके जिंदगी को पूरा मुनव्वर करने के लिए, उसकी जिंदगी को पूरा नूर से भरने के लिए। तो अल्लाह सुभान तआला वही बता रहे हैं कि जब इंसान की जिंदगी में इस किताब का नूर आता है तो असल में वो जिंदगी गुजारता है। और पता है आपको कि फिर क्या करता है जब उसकी जिंदगी में नूर आता है, तो यमशी बिही, ये क्या है, वो चलता फिरता है लोगों में, इंसानों के बीच में। अब ये क्या बताया जा रहा है, ये क्या चलता फिरता है, यानी यहाँ पर इस बात की दलील दी जा रही है कि अल्लाह की किताब सिर्फ मदरसों में रखने के लिए नहीं है, सिर्फ मस्जिदों में रखने के लिए नहीं है कि आप मस्जिद में अल्लाह का कलाम रखें, घर में सजा कर रखें और जो है आप इसको जो है मदरसों में सजा कर रखें, नहीं। एक बात बताएं कि कितने लोग हैं जो कुरान को मस्जिद या फिर मदरसे में जाकर पढ़ते, कितने लोग हैं? क्या सारे इंसान या दूसरे जो मजाहिब के मानने वाले, क्या सारे लोग मस्जिद में जाकर कुरान पढ़ते? नहीं। तो क्या बता रहे हैं अल्लाह सुभान तआला, ये जब एक इंसान की जिंदगी में आता है तो वो चलता फिरता कुरान बनता है। यस, मुझे और आपको अल्लाह सुभान तआला कह रहे हैं कि इस नूर के साथ लोगों के दरमियान फिर वो इंसान चलता है, दैट मीन्स कि उसकी पर्सनालिटी ऐसा डिवेलप हो जाती है, उसका पूरा पर्सनालिटी जो कुरान वाली पर्सनालिटी हो जाती है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें, बहुत ज्यादा बार बार शुक्र अदा करें कि अल्लाह सुभान ताला ने इस किताब का नूर आपकी जिंदगी में दिया है। न जाने कितने गम, कितनी परेशानियां आपकी जिंदगी में थी, कितने मसले मसाइल थे, सब अल्लाह सुभान ताला ने इस नूर से उन तमाम परेशानियों के अंधेरे को खत्म कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर नहीं है तो सब्र रखें, इंतजार करें, यस डेफिनेटली अल्लाह सुभान तआला वो दिन भी आपको दिखाएंगे कि सारी परेशानियों के अंधेरे आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे, सारे दुख के अंधेरे निकल जाएंगे। जिस तरीके से देखिए कि हम जब अंधेरे कमरे में आते हैं, देन जब हम स्विच ऑन करते हैं लाइट का या कुछ ना बल्ब है, लाइट है, तो अंधेरे चले जाते ना, तो उस रोशनी के वजह से अंधेरे हमें नजर नहीं आते। सिर्फ उसी तरीके से इंशाल्लाह जब ये किताब का नूर आपकी जिंदगी में आएगा तो आपकी जिंदगी के सारे अंधेरे जो है वो
कट जाएंगे। और सबसे सबसे बदतरीन अंधेरा जो गुमराही का अंधेरा है वो तो खत्म ही हो जाता है। बेदीनी के अंधेरे से आप निकल जाओगे, आप गुमराही के अंधेरे से निकल जाओगे। तो क्या पता चला, अल्लाह सुभान तआला वही बता रहे हैं कि क्या होता है, पता है आज का मुसलमान देखिए कैसा, मस्जिद में गया तो नमाजी, उम्रे में चला गया तो हाजी हो गया। ठीक है चलो भाई, अब इसका हाल क्या है मुसलमानों का बता रही हूँ। अक्सरियत मुसलमान ऐसे लोगों के बीच में रहता है तो बोलता है भाई चलो लोगों के बंदे बन के रह जाओ, लोगों का बन के रह जाओ, समाज जिस तरफ ले जाता है उस तरफ ले जाओ। नहीं, जब लेकिन एक नूर वाला बंदा कुरान का नूर जब लेके चलता है तो वो लोगों में भी अल्लाह का बंदा बना रहता है, वो मस्जिद में भी अल्लाह का बंदा रहता है, वो हज पे चला जाए वहां पे भी अल्लाह का बंदा रहता है। ऐसा नहीं है कि समाज में अपने आप को ढाल लेता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो कोशिश करें आप चलता फिरता कुरान बने, अमल से लोगों को जाहिर करें कि भाई वाकई मैंने अल्लाह के कलाम को सीखा है, पढ़ा है। देखिए अब जिसके जो जिसको ये नियामत नहीं मिल रही है, जिसकी जिंदगी में कुरान नहीं है और आपकी जिंदगी में आया है, फर्क तो होना चाहिए ना, एक जाहिल और आलिम में फर्क होता है ना। अब आपको अल्लाह सुभान ताला अपनी किताब का नॉलेज दे रहे हैं, आपको इल्म दे रहे हैं, तो भाई एक जहालत के काम करने वाले शख्स में और आप में फर्क होना चाहिए। अब अल्लाह सुभान ताला कंपेयर कर रहे हैं कि ऐसा शख्स जो मेरे नूर, मेरी किताब को नूर लेकर लोगों के दरमियान चलता फिरता है, तो क्या पता चला आज जरूरत है इस कुरान को पढ़कर समझकर लोगों के दरमियान आम करने की जरूरत है। अल्लाह ताला बोल रहे कमम मसलुहु फी ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिन मिन्हा, तो बताओ जरा कि क्या वो शख्स उस जैसा हो सकता है जो अंधेरों में पड़ा हुआ है, और ये देखो भाई निकलना भी नहीं चाहता, उसमें से नहीं निकल पा रहा है उसमें से। सोचिए जरा, आप कुछ सोचिए, एक इंसान बेदीनी के काम कर रहा है और अंधेरे, देखिए जुलुमात प्लूरल के सीगे में आता है, नूर सिंगुलर, क्यों? क्योंकि अल्लाह की किताब एक, अल्लाह एक, हिदायत का रास्ता एक, इसलिए नूर सिंगुलर आता है हमेशा। जुलुमात गुमराहियों के बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारे जो है यानी कि भटकने के रास्ते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे जुलुमात यानी गुमराही के अंधेरे को प्लूरल में इस्तेमाल किया जाता है। हतरा बोल रहे हैं कि ये शख्स उसके जैसा कभी नहीं हो सकता है कि जो गुमराहियों के अंधेरों में पड़ा हुआ है और उसमें से निकल भी नहीं पा रहा है। यकीन करिए कि एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम जब आया, जब अल्लाह सुभान ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत दी, उसके 6 साल के बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाया। सोचिए जरा, सोचिए आफ्टर 6 ईयर्स, और फिर जब उनके और कुरान ही वजह बनी उनके ईमान की, अल्लाह का कलाम सुना अपनी बहन के मुंह से और देखिए अल्लाह ने कैसे दिल को फेर दिया। दिलों को फेरने वाले अल्लाह के साथ है, और ऐसा ठुके, ऐसा ठुके जब कुरान उनकी जिंदगी में आया तो ऐसा वो ठुके दीन पर, ऐसा उन्होंने इस्तेकामत कायम की कि अच्छे खासे लोग उनको मात नहीं दे पाते थे। आपको पता है कि जिसने उनको शहीद किया, लूलू नाम था उसका, और मौके की तलाश में कब कब मुझे उमर मिले और कब मैं इनका कत्ल कर दूं, कब मैं इनको शहीद कर दूं, कभी भी तो मैं इनको गाफिल नहीं पाता हूं, शैतान देखकर डरता था, इतना रोब था अल्लाह ने अता किया था उनको, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। फिर उसके बाद उसको ख्याल आया कातिल को जिसने शहीद किया था उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, कि एक वक्त है जिसमें उमर को होश और हवास नहीं होता है, और वो कौन सा वक्त है? नमाज का वक्त। जब वो नमाज की हालत में होते हैं तो उन्हें बिल्कुल खबर नहीं होती है कि वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं, इतना अल्लाह की इबादत में गाफिल होते हैं, और उस बदबख्त ने उन्हें नमाज की हालत में कत्ल कर दिया। बताइए, जमात वालों को भी पता नहीं चला, पीछे जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, इमामत कर रहे हैं उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, और जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं वो भी मस्त है इबादत में, इतना सुरूर उनके नमाजों में, इतनी इखलास, इतना यानी कि अल्लाह सुबहान तआला की जात में इतना डूबे हुए नमाज पढ़ रहे, पता भी नहीं चला कि उनके इमाम को किसी ने शहीद कर दिया। देखिए कि बिल्कुल जहर से भरा हुआ खंजर लाकर बिल्कुल उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को उसने भोंक दिया और इस तरीके से शहीद कर दिया। यही होता है, देखिए जब जिंदगी में कुरान उतरता है ना हमारे, आता है ना, यकीन करिए कि फिर इबादत की लज्जत हमें मिलती है, इबादत की रूह हमें मिल जाती है, अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, बहुत इखलास आ जाता है हमारे अमाल में, इखलास आता है इबादत में, इखलास आती है। अल्लाह ताला बोल रहे नहीं, ये शख्स उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए कि
फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कज़ालिक ज़ुय्यिना लिल काफ़िरीना मा कानू यअमलून, और इसी तरह सजा दिया नाफरमानों के लिए, काफिरों के लिए वो अमाल जो वो कर रहे हैं। बताइए यहाँ पे जरा, काफिर क्यों पढ़ेगा कुरान को? यहाँ पर काफिर किसको कहा जा रहा है? जो लोग कुरान से दूरी इख्तियार करते हैं, जिनके पास अल्लाह का कलाम है लेकिन उसको समझकर जिंदगी में लाना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग अल्लाह की नजर में किताब के इनकारी हैं। ऐसे लोग अल्लाह की नजर में किताब के इनकारी हैं, जो इनकार कर रहे हैं, नाफरमानी कर रहे हैं। दुआ करें अल्लाह ऐसे लोगों में शामिल ना करें, और शुक्र अदा करें कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह सुभान ताला ने इस किताब को समझने की और उस पर अमल करने की जो हमें तौफीक दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आयत नंबर 123 में अल्लाह सुभान ताला क्या बता रहे हैं, कज़ालिका जअलना फी कुल्लि क़रयतिन, और इसी तरह बनाया हमने हर बस्ती में बड़े लोग, वो जुर्म करते हैं उसमें और क्या करते हैं, मकर व फरेब करते हैं, प्लानिंग्स करते हैं उसके अंदर। देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है, और आपको पता है कि इसमें असल में जब देखिए कि कुरान की दावत लेकर समाज में एक दाईये दिन निकलता है ना, आम लोगों को कोई इतना मतलब फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इन द सेंस, हाँ ठीक है चलो भाई हमारा फायदा ही है, दुनिया हमारे पास नहीं तो चलो भाई आखिरत हमारी संवर जाए, आखिरत हमें मिल जाए, इट्स ओके, ठीक है भाई। हाँ लेकिन चोट किस पर पड़ती है, जो एरिया के या फिर इस मुल्क के या उस शहर के कहे जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनके जो है लाइफ स्टाइल पे बड़ा चोट पड़ता है कि नहीं भाई हम कुरान के अकॉर्डिंग जो है वो जिंदगी नहीं गुजार सकते, हमारा एक अलग लाइफ स्टाइल है, हमारा एक स्टेटस है समाज में। भाई हम भी लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, और ये बहुत बड़ी दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम भी ऐसे लोग थे। हैरत की बात है, अफसोस की बात है, उस वक्त भी ऐसे लोग थे और आज के वक्त में भी ऐसे लोग हैं कि एक दाईये दिन की दावत जब वो लेके निकलता है अल्लाह के कलाम की, अल्लाह के दीन की दावत, तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना समाज के, उनके लाइफ स्टाइल पे चोट पड़ती है, तो अल्लाह ताला बोलते हैं कोई बात नहीं, ये ऐसे मुजरिम लोग जो होते हैं हम इन्हें बहुत नवाजते हैं, इतना देते हैं हम इनको, इतना देते हैं, इतना देते हैं। और आपको पता है ये बड़े लोगों को देने में अल्लाह की नाफरमानी के बावजूद इनके माल में जो है इतना समझिए कि रेल पेल है, इनके बिजनेस में रेल पेल है, इनके औलादों में इतनी रेल पेल है, यानी इनको एक लग्जरियस लाइफ अल्लाह सुभान ताला देते हैं। इसमें असल में ईमान वाले की आजमाइश होती है, किस तरीके से वो लोग ईमान वालों के लिए बड़ी मकरो फरेब करते हैं, अजीब अजीब से चाले चलते हैं, उनको नील डाउन करने की कोशिश करते हैं, उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं अपने जो है वो स्टेटस के बेस पे। देखो देखो तुम इतना दीन का काम करते हो, तुम अल्लाह की इबादत करते हो, क्या फायदा है तुम्हारा, है ना आजमाइश ईमान वाले के लिए। एक ईमान वाला वाकई उसके दिल में अगर अल्लाह की और आखिरत की मोहब्बत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, उसका खौफ है, अल्लाह का खौफ है या आखिरत का खौफ है उसको, तो वो कभी भी उस काफिर की बात में नहीं आएगा। वो कहेगा भाई अल्लाह ने तो कहा है कि इन तुम्हारे लिए तो दुनिया में बहुत कुछ है लेकिन आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, भाई ये चॉइस है इंसान की, चाहे तो फिर यहाँ पर अपने आप को जो है वो लग्जरियस लाइफ जी के आखिरत खराब कर ले, यू नो अल्लाह की नाफरमानी के साथ। देखिए लग्जरियस लाइफ जीना बुरी बात नहीं है, जो अल्लाह सुभान व तआला ने दिया है हमें, अगर वो अल्लाह की नाफरमानी के साथ आप ले रही हैं तो यस ये बहुत बड़ा कुफ्र है, ये बहुत बड़ी देखिए नाशुकरी भी कुफ्र है। ओके कि आपने अगर जिस रब ने दिया है उसी का शुक्र अदा नहीं कर रही हैं, जो रब दे रहा है उसका खा रही हैं, आप इस्तेमाल कर रही हैं, सांसें उसकी दी हुई है, जिंदगी उसकी दी हुई है, वक्त उसका दिया हुआ है, सेहत उसकी दी हुई है, ये माल उसका दिया हुआ है, आप उसी के रास्ते में नहीं लगाएंगे तो फिर नाशुक्री हुई ना। ये नाशुक्री देखिए कुफ्र नाशुक्री के मानी में भी अल्लाह ने इस्तेमाल किया है। अल्लाह बोलते हैं लग्जरियस लाइफ जीना, अच्छे अच्छे खाना खाना मैं मना थोड़ी करता हूँ, लेकिन मेरी नाफरमानी मत करो, हद से मत बढ़ो, इसराफ मत करो, इस चीज के लिए अल्लाह ने मना किया है, मैंने दिया है शुक्र मेरा करो, बस अल्लाह ताला इतनी सी बात हमसे कहते हैं। लोगों का हाल ये है जब दुनिया मिलती है तो उनके कर्म से मिली, उनके फजल से मिली, ऐसा मिला वैसा मिला, आपको पता है बड़ा अफसोस होता है, और समझिए कि मुझे तरस भी आता है ऐसे लोगों पर। देने वाली जात रब ताला है और लोग ना जाने किसको इसको क्रेडिट देते रहते हैं। अल्लाह ताला बोलते ठीक है करने दो इनको, मकरो फरेब करने दो, वमा यम कुरूना, और ये भी सुन लो, और नहीं वो यानी कि साजिशें पड़ती है उनकी, यानी ये जो भी मकरो फरेब कर रहे हैं, इनकी जो बेकार की प्लानिंग है,
यानी कि जो है पड़ती है किस पर, हर आबादी में, और किस पे, बड़े लोगों पे, बड़े बड़े जो लोग हैं उन पर ही इनकी मकरो फरेब जो पड़ती है, जो मकरो फरेब भी करते हैं। अतः बोल रहे हैं इनका मकरो फरेब जो है वो किस पर होता है, इल्ला बियान खुशीहिम, मगर इनके ही खिलाफ उल्टा इन्हीं पर जो साजिश है इनकी मकर आ जाती है, वमा यशऊरून, इनको पता भी नहीं चलता है। हैरत की बात है, देखिए जरा, बोलते हैं ना ये कि ऐसा टिट फॉर टैट का मामला, या फिर जिसके लिए गड़ा खोदा खुद उसमें गिर गया। इंसान जब देखे कि अल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों को परेशान करता है, मकरो फरेब करता है, वो बाजी पलट कर उन पर ही आ जाती है। दुनिया में अगर अल्लाह सुबहान तला ने इनसे इंतकाम नहीं लिया, तो यस डेफिनेटली आखरत में जरूर अल्लाह सुबहान तला इनसे इंतकाम लेंगे। ये यहाँ पर क्लियरली अल्लाह सुबहान तला ने जो है वो कह दिया। ठीक है, अव्वा मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अव्वा मैं तुझसे नफे बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। अव्वा मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे। आमीन। अब्बा मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वसत फरमा और मेरे रिज्क में बरकत अता फरमा। अब्बा मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के खात्मे तक अपना रिज्क कुशादा कर रखना। अब्बा मेरी किफायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा, और मुझे अपने फजल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिस्क तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे इनायत और बरकत अता फरमा, और मुझे हर गायब होने वाली चीज का बदला भलाई के साथ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। तो अब्बा इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे। इंशाअल्लाह आमीन या रब्बल आलमीन। सुभानअल्लाहि व बिहमदिही, सुभानअल्लाहु व बिहमदिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.